वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हुए एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के एग्जांपल नंबर 13 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 13 है ये बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है। मैं आपको सबसे इजी एंड बेस्ट पॉसिबल वे में बताऊंगा, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इससे आसान तरीका आपको इस क्वेश्चन को करने का नहीं मिलेगा। तो पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है BL एंड CM आर मिडेंस ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, प्रूव दैट 4 BL² + CM² = 5 BC². मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है जहां पर जो BL है और CM है ये इसकी मिडेंस है। BL अगर मिडेन है मतलब ये मिड पॉइंट होगा AC का, और अगर CM मिडेन है तो मतलब जो AB है इसका मिड पॉइंट ये M होगा। ठीक है, अब इतना हमें बताया गया है। एक बात और बताई गई है कि जो ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल्ड है एट एंगल A, मतलब जो एंगल A है वो 90° का होगा। ठीक है, और हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना होता है हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है कि जो BL और CM है वो मिडेंस है ट्रायंगल ABC की, और एक और बात हमें गिवन है कि जो एंगल A है वो 90° है, जो प्रूफ करना तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात हमें ये पता है कि जो BL है और CM है वो मिडेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एज BL एंड CM आर मिडेंस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो अगर BL जो है मिडेन है तो जैसा कि मैंने बताया मिड पॉइंट होगा, मतलब जो CL है वो AL के बराबर हो जाएगा, ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये Y यूनिट है, CL की लेंथ कितनी है Y, तो AL भी कितना हो जाएगा? AL भी हो जाएगा Y। ठीक है, और इसी तरह से अगर CM मिडेन है तो मतलब M मिड पॉइंट होगा AB का, तो अगर AM जो है वो X यूनिट्स है, ठीक है, तो जो BM होगा वो भी X यूनिट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दोनों मिडेन थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AL था वो बराबर हो गया CL के, और हमने कितना कितना यूनिट मान लिया वाई वाई यूनिट, यानी इनमें से दोनों ही वाई के बराबर है। और अगर ये मिडेन था तो जो AM है वो बराबर हो जाएगा BM के, और हर एक को हमने कितना मान लिया X यूनिट्स मान लिया। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा तभी हमें मिडेन दिया गया, इसलिए मैंने पहले इसको आसान वे में लिख लिया। अब इसके बाद देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें जो 4, 5 आ रहा है इसको भूल जाओ अभी। यहाँ पर क्या आ रहा है BL, यहाँ पे क्या आ रहा है CM, यहाँ पे क्या आ रहा है BC। ठीक है, इनका स्क्वायर है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमें किस ट्रायंगल पे देखना होगा? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, ABC में आप देखोगे तो ये 90 है, यानी कि एंगल A जो है वो कितना है 90 है। अब अगर ये 90 है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो एंगल ए के सामने है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BC का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी यानी BC, तो BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर। और ये हमने कैसे लिखा? हमें रीजन लिखना होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां मैंने लिख दिया फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, BC तो भाई हमें चाहिए ही, तो BC की जगह कुछ और पुट मत करना, ये रहने दो। AB का स्क्वायर, देखो जो AB है, ठीक है, AB की जो टोटल लेंथ है वो कितने के बराबर है? X प्लस X यानी 2X के बराबर है, तो AB की जगह मैं क्या 2X लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक X है, यहाँ से यहाँ तक X है, तो X प्लस X 2X पूरा AB के बराबर हो गया। AB का स्क्वायर था तो जो AB की वैल्यू है उसका भी स्क्वायर होगा, प्लस में AC का स्क्वायर, A से लेके C तक आओ तो यहाँ पे एक Y यूनिट मिला, यहाँ पे Y यूनिट मिला, यानी Y प्लस Y कितना 2Y, तो AC कितना हो गया हमारा 2Y हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा उम्मीद है मुझे। तो यहाँ से देखो अब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4, X का स्क्वायर कितना X स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, Y का स्क्वायर कितना Y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर XY तो हमने लेट किया है, ठीक है ना, तो मतलब XY की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें जाकर पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो XY में नहीं लाना है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि यहीं से हमें XY की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो कैसे निकालोगे? 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा X स्क्वायर प्लस में Y स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा BC का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये 4 आ गया डिवाइड में क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बी सी का तो काम हो गया, यहाँ पे बी एल आ रहा है, तो हम देखेंगे भाई इस यहाँ पे किस ट्रैंगल में बी एल आ रहा है, और वो राइट एंगल ट्रैंगल भी है, तो यहाँ पे ए बी एल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बी एल आ रहा है और ये एंगल 90 है, मतलब यहाँ पर भी हम वही चीज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्रैंगल ए बी एल, ट्रैंगल ए बी एल में, ठीक है, ट्रैंगल ए बी एल जो है, ए बी एल जैसे कि मैंने बताया इसमें भी एंगल ए है जो कि 90 है, तो मतलब ये भी राइट एंगल ट्रैंगल हो गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए बी एल में 90 के सामने वाली साइड जो क्या है वो बी एल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से बी एल का स्क्वायर कितने कितने के बराबर होगा, देखो यहाँ पर ए बी के स्क्वायर के, ठीक है, ये क्या हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस में ए एल के स्क्वायर के, प्लस में कितना ए एल का स्क्वायर, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये हो गया हाइपोटेन्यूज इस ट्रेंगल के लिए, और ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर बी एल के स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी हमारा कितना फिर से एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ए एल कितना है वाई, ए एल कितना है इस बार वाई, हमें सिर्फ इतना लेना है इस बार, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू फिर से मैंने रखी 2x, इसका स्क्वायर हो गया, ए सी की वैल्यू फिर से कितनी है यहाँ पर वाई है, सॉरी ए एल है, ये ए एल की वैल्यू कितनी है वाई है, तो ये वाई का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बी एल का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो बी एल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4x² प्लस में y², ठीक है, और ये बी एल का स्क्वायर है, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से, ठीक है, नीचे ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं यहाँ इस वाला स्पेस को भी यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखो कि भाई फिर से सी एम का भी स्क्वायर चाहिए, तो सी एम कहाँ पे है ये रहा, ठीक है, ये हमारा सी एम है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं फिर से तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए सी एम, इन ट्रायंगल ए सी एम, ठीक है, हमें इंट कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से ट्रायंगल लेना है, यहाँ से जहां पर भी ये हाइपोटेन्यूज है उन ट्रायंगल को ले लो, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए सी, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में सी एम हाइपोटेन्यूज था तो मैंने ले लिया, तो यहाँ से इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा सी एम का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो जरा इनकी, सी एम स्क्वायर, ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू एक्स है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी है भाई वाई प्लस वाई यानी 2y यानी 2y का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4y की वैल्यू, मतलब वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया सी एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी आप रीजन में लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने ही किया है। अब जो ये इक्वेशन आई हमारे पास इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है वो हमें क्वेश्चन खुद बताएगा, कैसे बताएगा, देखो जो हमें प्रूव करना था उसमें बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है, वही 4 5 वगैरह को भूल जाओ, लेकिन इतना पक्का है कि बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर को ऐड करना है हमें, ठीक है, तो यहां से हमें ये कैसे मिलेगा, देखो यहां पर सी एम स्क्वायर है और यहां पर बी एल स्क्वायर है, तो मतलब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं तो पक्की बात है कि मुझे सी एम स्क्वायर और बी एल स्क्वायर का एडिशन मिल जाएगा, तो वही चीज मुझे यहाँ करनी है, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ ये हिंट हमें क्वेश्चन से ही मिला है, तो यहां से फिर से देखो ये ऐड कैसे करते हो, लेफ्ट वाला पार्ट आपस में ऐड करो दोनों इक्वेशन का, तो बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट वाला आपस में ऐड करो, तो यहाँ 4x² है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 4x² प्लस में एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 5x², फिर से बता देता हूँ ये 4x², ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए 5x², इस तरह से ये 1y² कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट 1 समझ सकते हो, ठीक है, और ये 4y², तो 4y² प्लस में y² यानी कि ये हो गया 5y², ठीक, तो यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हो भाई, 5 कॉमन लेना जरा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, 5 यहाँ से भी बाहर आ गया यहाँ से भी, जो भी लेफ्ट में है इसको आप ऐसे ही रहने दो, बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से फिर से हमें एक्स वाई की वैल्यू गायब करनी पड़ेगी, मतलब इसकी वैल्यू में रखनी है, एक्स वाई गायब होने चाहिए, तो हमें पता है भैया कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वहां हमने पहले से ही निकाल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा बी सी का स्क्वायर
डिवाइड बाई 4, और 5 यहाँ पे बाहर है, ठीक। और बराबर में जो भी बचा लिख दो, ठीक है, बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर। अब देखो जो हमें चाहिए वहां पर जो प्रूफ करना था, यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर कितना है 5 है, तो ठीक है भाई यहाँ पर 5 तो पहले से ही आ रहा है, 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर लाओगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि हो जाएगा बी एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एम का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5 बी सी का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।